क्या मुंह लटकाए बैठी हो? वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, नहीं है वो ठीक। आइलीन, अब ऐसी बातें करके तुम उसके लिए कुछ कर सकती हो? यही तो, उसकी होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या करना चाहती हो बताओ। पता नहीं क्या करूं, बस मैं चाहती हूँ कि उसको सुकून आ जाए। आइलीन, वो जो भी कर रहा है उसे करने दो, उससे सवाल मत पूछो। मैं कहाँ सवाल करती हूँ, कोई सवाल नहीं किया मैंने उससे। मैं तो खुद इतनी परेशान कंफ्यूज बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और किसी से मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ। क्या मतलब कोई भी नहीं बात करने के लिए? मैं हूँ, तुम मुझसे सारी बातें कर सकती हो। पागल लड़की, आखिर दोस्त होते किस लिए? और मैं इस दीवाने को जानता हूँ अच्छी तरह से, इसके साथ जब भी कोई मसला होता है ना, इर्द गिर्द सबको भूल जाता है। मुझे भी भूल जाएगा। देखो आइलीन, ये जो पेंडोरा बॉक्स जो खुला है ना, जिंदगी कहाँ जाएगी यहाँ से, नो वन नोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है बारिश को? आप ये भी पूछ सकती हैं कि कैसा है वो? आइलीन, हम खानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और इस तरह के तमाशे? ये तमाशा लग रहा है आपको? ये तमाशा नहीं है, वो मेरा शौहर है और वो बहुत मुश्किल में है। और उसके मसले की वजह से हम जिस मुश्किल में पड़े हुए, उसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? पता नहीं क्या किया है उसकी माँ ने, कुछ बताया उसने तुम्हें? चोर है, कातिल है या डकैत? हमारे खानदान का नाम खराब हो रहा है, तुम्हारे अब्बू शदीद गुस्से में है। अभी तो मैंने उन्हें रोका हुआ है, वरना उनका बस चले ना तो एक मिनट में तुम्हें घर ला के बिठा दें। आप लोग पागल हो गए हैं? मैं बारिश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को नहीं मिलना ना मिले। आंटी आइलीन, ये कोई जगह नहीं ऐसी बातें करने के लिए। तुम चुप रहो, हम माँ बेटी का मामला है, हमारे बीच में मत बोलो। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे आइलीन के इज्जत का ख्याल है और ये जगह मुनासिब नहीं है। ठीक है आइलीन, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जिस दिन तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना कि बारिश की माँ ने क्या किया है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और आप भी जाते हो, मेरी एक बात सुनना, अगर मेरे साथ अब्बू ने या किसी और ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान तो दे दूंगी, लेकिन बारिश को नहीं छोड़ूंगी। ओह मेरे खुदाया, बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। आंटी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन वो भी बहुत परेशान है, उसे प्लीज फोर्स मत करें, अभी वक्त तो दें। कभी कभी वक्त के साथ साथ सब कुछ वैसे हो जाता है जैसे हम चाह रहे होते हैं। अरे शैला, तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। जी मैडम। शैला खैरियत, आज मिलने की रिक्वेस्ट, बैठो। वो मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी सज़ा में कितने दिन रह गए हैं? आपने पिछले दिनों कहा था ना कि अब मेरे अच्छे रवैये की वजह से मेरी सज़ा के दिन कम हो गए हैं। शैला क्या बात है, तुम इतने अरसे से यहाँ रह रही हो, इससे पहले जब भी तुम्हारी आज़ादी की बात होती थी तो तुम नाराज हो जाती थी, और आज तुम खुद पूछ रही हो। बस मैडम, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने के दिन आ गए। क्यों क्यों भाग रही हो अपने बेटे से? देखो मुझे सब पता है कि वो यहाँ तुमसे मिलने आया था और तुमने उसे मिलने से इनकार कर दिया, वो कई घंटे बैठा रहा है। चला गया ना बस अब वो। अरे लोग तरसते हैं यहाँ अपनों के लिए, और वो तुम्हें लेने लेने नहीं आया था, वो कुछ सवालात पूछने आया था जिनके मेरे पास जवाब नहीं है। खैर, जवाब तो तुम्हारे पास ही है, तुम देना नहीं चाहती वो और बात है, और जहां तक तुम्हारी सजा का ताल्लुक है तो वो अब कम हो गई है, अगले हफ्ते तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी।
मैं बारिश। बारिश? एक्चुअली मैं पहले आया था, आप थी नहीं यहाँ पर। दरअसल आपकी एक कहती हैं शैला, मैं वो मेरी माँ है, मुझसे मिलना नहीं चाहती, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, मेरा राइट है उनसे मिलना। जी हाँ बिल्कुल राइट है ये तुम्हारा, और इस बात की इजाजत भी दी गई थी, मगर जो कुछ हुआ उस दिन जेल में उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब हम क्या कर सकते हैं जब वो मिलना ही नहीं चाहती तुमसे? वो नहीं मिलना चाहती मैम, आई नो, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, मेरी माँ है वो। आई नीड वन मोर परमिशन प्लीज, आई बेग यू, क्या मैं अभी मिल सकता हूँ उनसे प्लीज? बारिश आराम से, आराम से, मैं एक बार खुद उनसे बात करूंगी, ताकि वो कुछ ना हो जो उस दिन हुआ था जेल में। मैं उनको मेंटली तौर पर खुद तैयार करूंगी तुमसे मिलने के लिए। मैं और वेट नहीं कर सकता मैम। तो जाओ, जाकर अभी मिल लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जेल में उस दिन की तरह कोई भी बदतमीजी हुई तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम परमिशन दूंगी उनसे मिलने के लिए? देखो बारिश, मेरी जेल बहुत डिसिप्लिन्ड है, यहाँ मेरे अच्छे कैदियों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, वो मुझे तंग नहीं करते तो मैं भी उनको तंग नहीं कर सकती। और आज ये डिसाइड कर लो कि आज की ये कोशिश या वो कोशिश जो कामयाब हो, ये तुम्हारे ऊपर है। कब आऊँ वापस? मैं खुद कॉल कर लूंगी। इट्स ओके। बारिश, तुम्हारा आज का आना बेसूध नहीं रहा, आज तुमने अपनी माँ को देख ही लिया। इतनी मुश्किल ये जिंदगी क्यों है, गम में डूबे हुए खुशी क्यों है, किसे हम पूछे कौन अपना।